दोस्तों, हम सब ने नाग नागिन के किस्से कहानी बहुत ही सुने होंगे। हम सब जानते हैं कि अगर नाग को मार दे तो नागिन उसका बदला जरूर लेती है, मगर ये कहानी थोड़ी अलग है। आजमगढ़ में एक ऐसा किस्सा सामने आया है कि आपको सुनकर यकीन नहीं होगा। नाग नागिन की कहानियों के किस्से पूरे भारत में कहे जाते हैं। कहा जाता है कि नाग नागिन एक दूसरे के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। वो एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि सदियों तक और सभी जन्मों में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये मामला आजमगढ़ के थाने का है। थाने से कुछ दूर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। कहा जाता है कि आजमगढ़ के मेहंगर थाने में जो हुआ उसे देख सबके होश उड़ गए। एक दिन हर रोज की तरह थाने में काफी फरियादियों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर आए थे। बताया जा रहा था कि भीड़ से गुजरकर एक बड़ा सा सांप थाने में गया और दरोगा के टेबल पर कुंडली मारकर बैठ गया। वहां पर मौजूद सब लोग डर गए और सभी बाहर की तरफ भागने लगे। लोगों ने सांप को हटाने की कोशिश की, पर सांप वहां से नहीं हटा। बाद में नाग पकड़ने वालों को भी बुलाया, पर सांप वहां से नहीं हटा। एक सपेरे ने बताया कि नाग कुछ कहना चाहता है। दरोगा सांप के पास गया, तभी सांप वहां से थोड़ा आगे गया। सभी लोगों ने सांप का पीछा किया, तभी वो एक मरे हुए नागिन के पास पहुँचे। सभी ने नागिन को वहां पर दफना दिया। कुछ दिनों के बाद जब ये बात चली तो एक शख्स थाने आया और बताया कि जब वो थाने में शिकायत लेके अपनी कार लेकर आया था तो रास्ते में एक नागिन कार के नीचे आ गई थी।